हेलो स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर एक्स एंड वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स सो लेट्स इन्फॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं विच आर एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू टू दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड अनदर इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड सो लेट सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो हमने क्या करना है इक्वेशन वन को थोड़ा सिंपलीफाई करना है ऑल्सो इक्वेशन नंबर टू तो फ्रॉम वन फ्रॉम वन तो देखिए एक्चुअली क्या है सेपरेट आउट किया हमने तो एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू टू तो वाई से वाई कैंसिल हो गया एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो इम्प्लाइज दैट वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री अब हमने क्या करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू मीन उसको सॉल्व करना है सिंपलीफाई करना है तो so, उसे भी क्या करें उसके डिनोमिनेटर को भी क्या कर देंगे सेपरेट आउट कर देंगे ओके okay? तो so, क्या हो जाएगा देखिए एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और वाई से वाई कैंसिल हो गया तो 1 y 1 X 6. 4, है ना इसे क्या कर दिया 4. अब हमने क्या करना है दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देना है सो so दैट वाली टर्म कैंसिल हो जाए और वाई की वैल्यू आ जाए तो बाई थ्री प्लस फोर तो ऐसा करने से क्या होगा देखिए एक्स और एक्स वाले वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई जो है टू अपॉन वाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा टू प्लस सिक्स एट ओके तो अब हमने क्या करना है वाई की वैल्यू के लिए इनवर्स करना है ना तो इनवर्स करने के साथ क्या हो जाएगा वाई अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन एट तो ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स फोर टाइम्स तो ये जो वाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई वन अपॉन फोर अब एक बार क्या करेंगे वाई थ्री माइनस फोर करेंगे है ना तो उसे क्या हो जाएगा वाई वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और एक्स वाली टर्म ऐड हो जाएगी तो टू अपॉन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा टू माइनस सिक्स दैट मीन्स माइनस फोर तो अगेन इसको इन्वर्स कर देंगे तो जाएगा एक्स अपॉन में टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर तो कैंसिल हो तो तो गया कितने एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस वन बाई टू तो हमने क्या कर लिया एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली अब हमने यहां पर फाइनल आंसर नोट कर देना है सो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एंड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर सो दिस इज फाइनल आंसर आई होप यू अंडरस्टूड बाई दिस सोल्यूशन थैंक यू